Hello friends, and welcome to all of you to the yet another video by Taxation Insight. और आज का जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. फ्रेंड्स, देयर आर फाइव हेड्स अंडर विच द इनकम इज टैक्सेबल फॉर एनी एसएससी एनी टैक्स पेयर, एंड दोज आर द फाइव हेड्स आर इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी व्हिच इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस. तो किसी भी टैक्स पेयर की जो इनकम है वो इन पांच हेड्स में टैक्सेबल होती हैं. तो उन्हीं हेड में से आज जो हेड हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. सो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं. इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी जो है इनकम टैक्स एक्ट में वो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक जो है वो डील करता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. सो ये पांच सेक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे, डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, उसके हर सेक्शन को समझेंगे कि उसके प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है, किस तरीके से एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करा जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से जो भी इनकम होती है उसमें से क्या क्या हम लोगों को डिडक्शंस मिलती है, ठीक है. और इस तरीके से हम पांचों सेक्शंस को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 22 टिल सेक्शन 27. तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, सॉरी, छः सेक्शंस हैं. 22 से लेकर 27 तक टोटल छः सेक्शंस हैं जो डील करते हैं हाउस प्रॉपर्टी को कि इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, उसके क्या प्रोविजंस हैं. तो आइए एक एक करके हम सेक्शन को देखते हैं. ये जो टेक्स्ट जो है मैंने कॉपी करा है पूरा इनकम टैक्स एक्ट से, पूरा प्रोविजन एज पर एक्ट है, ठीक है, एंड विच इज़ अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019. तो जो भी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वो रेलिवेंट होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो CA फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हैं फॉर विच आर अपीयर हु आर अपियरिंग इन मे 2020 एज वेल एज नवम्बर 2020 एग्ज़ाम्स. तो ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो रेलिवेंट है. और अगर आप एक नॉर्मल टैक्स प्रोफेशनल हैं या एक नॉर्मल पर्सन है, अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही रेलिवेंट है. तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम आपके सारे आंसर्स, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं चार्जिंग सेक्शन. जो चार्जिंग सेक्शन है विच इज सेक्शन 22, इट इज़ अ चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. तो ये क्या बोलता है, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी consisting of any building or land appurtenant. Land appurtenant means land which relates to the building. So normally एक plot है, उस plot में कुछ part में building manufacture करा हुआ है और कुछ part को ऐसे ही vacant छोड़ा गया है. तो जितनी भी societies आपने देखी होंगी उसमें पूरी land पे जो है construction नहीं की जाती, कुछ portion खाली छोड़ा जाता है, ठीक है, फॉर पार्किंग एंड अदर purposes. फॉर दैट लैंड appurtenant means लैंड विच रिलेट्स टू the बिल्डिंग. सो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी consisting ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड appurtenant देयर टू of विच द SSC इज ओनर. तो इस चार्जिंग सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं. इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, दैट इज एनुअल वैल्यू. किस तरीके से एनुअल वैल्यू को डिटर्मिन करा जाता है ये सेक्शन 23 डील करता है, लेकिन चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, आप किसी बिल्डिंग प्रॉपर्टी विच कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट. तो प्रॉपर्टी में बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट की बात की जा रही है, उसकी एनुअल वैल्यू, ठीक है, उसकी एनुअल वैल्यू को आप डिटर्मिन करेंगे. किस तरीके से डिटर्मिन करेंगे वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, लेकिन उसकी एनुअल वैल्यू को डिटरमिन करा जाएगा और उसकी इससे जो इनकम निकलेगी, जो एनुअल वैल्यू निकलेगी, दैट एनुअल वैल्यू शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो एसेसी है उसका ओनर होना बहुत ज़रूरी है. एसेसी शुड बी ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग. अगर आप ओनर नहीं हैं
ठीक है, बिल्डिंग के ओनर नहीं है तो उसकी एनुअल वैल्यू को कंसिडर नहीं करा जाएगा उसकी। देन उसकी इनकम जो है, जो भी उसकी वैल्यू डिटरमिन हो रही है, कोई इनकम उस प्रॉपर्टी से आ रही है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी आप ओनर ही नहीं हैं, ठीक है, या डीम्ड ओनर नहीं है, ठीक है। एक होता है ओनर और एक होता है डीम्ड ओनर। और डीम्ड ओनर जो है, हम सेक्शन 27 में देखेंगे कि डीम्ड ओनर क्या होता है। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी के ओनर ही नहीं हैं तो आपकी इनकम इनकम अंडर इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो आपका ओनर होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके आगे क्या बोलता है, अदर देन सच पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ही मे ऑक्यूपाई फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो इस प्रॉपर्टी में अगर कुछ हिस्सा आपने ऑक्यूपाई कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन दोनों की बात यहाँ पे की गई, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में बिजनेस और प्रोफेशन ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो अगर कहीं पे खाली बिजनेस लिखा है, प्रोफेशन नहीं लिखा है, तो वहाँ उस क्लॉज में, उस प्रोविजन में प्रोफेशन को कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों की बात की गई है कि ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा हिस्सा प्रॉपर्टी में, कोई ऐसा हिस्सा जो आपने ऑक्यूपाई करा फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी है, उसमें अगर 5 फ्लोर्स हैं और 5 में से 1 फ्लोर आपने ऑक्यूपाई कर रखा है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपने वहाँ पे ऑफिस बना रखा है, तो जब हम एनुअल वैल्यू को निकालेंगे तो हम 5ों फ्लोर की वैल्यू नहीं निकालेंगे, वहाँ पे सिर्फ 4 फ्लोर की ही वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को हम इस हेड में कंसिडर करेंगे। सो वी जस्ट रीड इट आउट द चार्जिंग सेक्शन अगेन। द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, ऑफ विच द एसेसी इज द ओनर अदर देन सच पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एज मे ऑक्यूपाई फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, द प्रॉफिट ऑफ विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, दैट इज एनुअल वैल्यू ऑफ लैंड एंड ऑफ लैंड ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट फॉर विच द एसेसी इज ओनर, ओनर का होना चाहिए, और उसने जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्यूपाई जो है, उसका ऑक्यूपेशन जो है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए नहीं होना चाहिए, तभी जो उसकी एनुअल वैल्यू है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। तो अभी हमने चार्जिंग सेक्शन में बात करी एनुअल वैल्यू को, एनुअल वैल्यू की। तो एनुअल वैल्यू डिटरमिन कैसे की जाती है, वो डील करता है सेक्शन 23(1). तो आइए देखते हैं सेक्शन 23(1) क्या बोलता है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 विच इज चार्जिंग सेक्शन विच वी हैव जस्ट गो थ्रू इट, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 एनुअल वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी, फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड रेंट विच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड फ्रॉम रीजनेबली एक्सपेक्टेड फ्रॉम लेट आउट। अगर प्रॉपर्टी को आप लेट आउट करते हो तो उसका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। सो नॉर्मली सपोज एक प्रॉपर्टी है जहाँ पर, जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, वहाँ का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो फेयर रेंटल वैल्यू है, वो 10,000 पर मंथ है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट क्या लिया जाएगा, 10,000 पर मंथ। सो बेसिकली इसका मैं अगर फंडा आपको बताऊँ, एनुअल वैल्यू में एक तरफ आप एक्सपेक्टेड रेंट देखेंगे और दूसरी तरफ आप एक्चुअल रेंट देखेंगे। तो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आप कंसिडर करेंगे, प्रोवाइडेड एक्सपेक्टेड रेंट तो आपको देखना ही है, फिर आप उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट, तो नॉर्मली आपको एक्सपेक्टेड रेंट ही लेना है, लेकिन एक्चुअल रेंट आप कहाँ कहाँ पर देखेंगे उसके लिए फर्दर 2 क्लॉजेज हैं। जो क्लॉज क्या बोलता है, एक्चुअल रेंट इफ इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट। तो आप एक्चुअल रेंट को कंसिडर करोगे एज एन एनुअल वैल्यू इफ योर एक्चुअल रेंट इज इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। सपोज आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो है, आपकी बिल्डिंग का जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो होना चाहिए 10,000 पर मंथ, बट आपने लेट आउट कर रखा है प्रॉपर्टी को लेट से 15,000 पर मंथ। तो यहाँ पर जो है एनुअल वैल्यू के लिए जो आप वैल्यू लेंगे वो एक्सपेक्टेड रेंट ना लेकर एंड एक्चुअल रेंट लेंगे, क्योंकि आपका एक्चुअल रेंट इज इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट।
तो फर्स्ट इंस्टेंस में आपको एक्सपेक्टेड रेंट लेना है एज योर एनुअल वैल्यू, बट अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो आप एक्चुअल रेंट लेंगे। थर्ड क्लॉज क्या बोलता है, इफ योर एक्चुअल रेंट इफ ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर द प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट इज वेकेंट, आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है बट ड्यू टू योर प्रॉपर्टी इज वेकेटेड, वेकेंट है आपकी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ईयर आपकी प्रॉपर्टी पहले एक टेनेंट ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, वो प्रॉपर्टी को छोड़ के चला जाता है और जो दूसरा टेनेंट उस प्रॉपर्टी पर आता है उसके ड्यूरेशन के जो उस टेनेंट के आने नेक्स्ट टेनेंट के आने के बीच का ड्यूरेशन फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ है। मतलब एक रेंट एक जो टेनेंट है वो जब घर छोड़ कर गया और जो नया टेनेंट आया वो 2 महीने के बाद आया, मतलब प्रॉपर्टी आपकी 2 महीना वेकेंट रही ड्यू टू विच यू आर नॉट एबल टू गेट योर एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पर आपका एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम होगा। तो लेकिन अगर ऐसा केस होता है दैट योर एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वेकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, देन योर एक्चुअल रेंट शैल बी कंसिडर्ड एज एनुअल वैल्यू। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, आपको फर्स्ट इंस्टेंस में एक्सपेक्टेड रेंट ही लेना है। अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो आप एक्चुअल रेंट लेंगे। अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, ठीक है, बट कम क्यों है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी कुछ पीरियड के लिए वेकेंट रहती है, उस वेकेंट के चलते आपकी प्रॉपर्टी जो आपका एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, देन योर एक्चुअल रेंट शैल बी कंसिडर, रेस्ट इन ऑल केसेस योर एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ एनुअल वैल्यू। इसका एक प्रोविजन है वो पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड म्यूनसिपल टैक्सेस पेड। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड दैट इज पेड, ड्यूरिंग द ईयर शैल बी डिडक्टेड एंड द फर्दर एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल शैल नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट, शैल नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है म्यूनसिपल टैक्सेस पेड। अब म्यूनसिपल टैक्सेस जरूरी नहीं आप करंट ईयर का पे करें, अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर्स का भी आपने म्यूनसिपल टैक्सेस करंट प्रीवियस ईयर में पे किया है देन यू कैन अलाउ देन दैट म्यूनसिपल टैक्सेस शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर एनुअल वैल्यू। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड अक्रूवल की बात नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल आपने ड्यूरिंग द ईयर यू सपोज टू पे 40,000 एज म्यूनसिपल टैक्सेस बट यू हैव नॉट एक्चुअली पेड, तो जब आप एक्चुअली पे करेंगे उसको देन आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी, ओके। और आपकी जो एक्चुअल रेंट है, जो मैं एक्चुअल रेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें आप वो रेंट को इंक्लूड नहीं करोगे विच इज़ अनरियलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड है, ठीक है, टेनेंट आपको हर महीने 10,000 रुपये का रेंट दे रहा है, लेकिन लास्ट 3 मंथ से आपको टेनेंट ने रेंट नहीं दिया, तो जो 3 मंथ्स का रेंट है वो आप इंक्लूड नहीं करोगे बिकॉज इट इज़ अनरियलाइज्ड। तो अनरियलाइज रेंट को आप एक्चुअल रेंट में कंसिडर नहीं करोगे, मतलब मोटा मोटा ये कि आप एक्चुअल रेंट में उसी रेंट को इंक्लूड करोगे विच यू हैव एक्चुअली रिसीव इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी सबसेक्शन टू। अभी हमने सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 रीड करा, उसके क्लॉजेस को पढ़ा, अब हम बात करते हैं सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। सो एनुअल वैल्यू शेल बी निल इन केस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब आप उस प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हो या उस प्रॉपर्टी में आप बिजनेस कर रहे हो कोई या कोई प्रोफेशन कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है वो निल ली जाएगी, निल, ओके। सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, सेक्शन 23(2) विच जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पर शेल नॉट अप्लाई इन केस अ प्रॉपर्टी इज लेट आउट इवन फॉर अ सिंगल डे, ऑल्सो नो बेनिफिट इन केस ओनर ड्राइव एनी बेनिफिट फ्रॉम दी प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपने वो प्रॉपर्टी जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और अगर आपने किसी एक दिन के लिए भी थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर अगर किसी एक दिन के लिए भी अगर आपने लेट आउट करा
तो आपको सब सेक्शन टू का मतलब सेक्शन 23 सब सेक्शन टू का बेनिफिट जहाँ पे एनुअल वैल्यू को निल लिया जाता है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा इवन फॉर अ सिंगल डे यू हैव लेट आउट दी प्रॉपर्टी एंड मोर ओवर यू हैव नॉट ड्राइव एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी. तो कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए उस प्रॉपर्टी से और आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट ना करा हो किसी एक दिन के लिए भी. अगर किसी एक दिन के लिए भी लेट आउट करा अगर आपने प्रॉपर्टी को तो आपको एनुअल वैल्यू निल जो होती है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. सब सेक्शन 4 की बात करते हैं. सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 तो सब सेक्शन 2 शेल अप्लाई मतलब सेक्शन यहाँ पर आपको एनुअल वैल्यू निल का बेनिफिट मिलता है वो अप्लाई होगा किन्हीं दो हाउस प्रॉपर्टी के लिए. फाइनेंस एक्ट 2019 के चलते यहाँ पे अमेंडमेंट आया. पहले यहाँ पर इस सब सेक्शन में केवल एक हाउस कोई आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते थे लेकिन कई बार ऐसे केसेस देखे गए जहाँ पे जो एसएससी है वो दो प्रॉपर्टीज़ में रह रहा होता है या दो इंडिपेंडेंट हाउसेस में रह रहे होते हैं. ठीक है बिकॉज देयर फैमिली साइज इज़ वेरी लार्ज उनका फैमिली साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वो दो प्रॉपर्टी में रह रहे होते. तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को बेनिफिट दिया और यहाँ पे सेक्शन में डाला कि अगर आपके पास दो घर हैं और दोनों घर अगर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो आपको सबसेक्शन 2 विच इज़ सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 यहाँ पे एनुअल वैल्यू निल होती है उसका बेनिफिट मिलेगा. मतलब आज से मतलब फाइनेंस एक्ट 2019 से आपको जो बेनिफिट मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का वो दो घरों के लिए मिलेगा. इन केस एसएससी है मोर देन टू हाउसेज देन ही कैन डिक्लेयर टू हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एट हिज ऑप्शन एंड रेस्ट हाउसेज एज प्रॉपर्टी. एनुअल वैल्यू शुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 23(1)(a) एक्सपेक्टेड एंड एज इफ द हाउस हैज बीन लेट. सो सपोज एक एसएससी के पास में तीन घर है तो एसएससी के पास में ऑप्शन है वो किन्हीं भी दो घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकता है और तीसरे घर को डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा. मतलब तीन घर हैं और उसके तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो वो किसी भी दो घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकता है जिसकी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी और तीसरे घर को डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा और जो भी उसका एक्सपेक्टेड रेंट होगा पूरे साल का दैट विल बी टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सेक्शन 25 सब सेक्शन 5 को रीड करते हैं. वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. मतलब ऐसी बिल्डिंग और ऐसी लैंड विच इज लैंड अपर्टेनेंट विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पे बात की जा रही बिल्डर्स की. तो किसी बिल्डर ने प्रॉपर्टी को अगर स्टॉक या बिल्डिंग को स्टॉक इन ट्रेड की तरीके से हेल्ड करा हुआ है एंड एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और पार्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years. ये भी एक अमेंडमेंट है पहले यहाँ पे 1 year था. फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड. सो यहाँ पे क्या बेनिफिट दिया जा रहा है कि जैसे घर सपोज बिल्डर ने पूरा तैयार कर लिया उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मिल गया है तो उसके अगले 2 साल तक ठीक है अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं होती है ठीक है अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं होती है तो वहाँ पर उसकी एनुअल वैल्यू को निल कंसिडर करा जाएगा. तो अगले 2 साल तक वो उसकी एनुअल वैल्यू को निल कंसिडर कर सकता है उसको निल एनुअल वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा. अगर आपने प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड की वजह स्टॉक इन ट्रेड की तरह से हेल्ड कर रखी है और आपकी प्रॉपर्टी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से अगले दो साल तक आपको जो है निल एनुअल वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा. पहले यहाँ पे 1 साल था जिसको गवर्नमेंट ने अमेंड करके फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2019 यहाँ पे 2 घर कर दिया है सॉरी 2 साल कर दिया. अब बात करते हैं सेक्शन 24 को. सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 23 विच टॉक्स अबाउट द एनुअल वैल्यू नाउ सेक्शन 24 विच डील्स अबाउट द डिडक्शन फ्रॉम द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. मतलब आप जो एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो इवैल्यूएट कर रहे हो उसमें से किस चीज़ की या क्या क्या चीज़ की डिडक्शन आपको मिलेगी. तो सबसे पहला 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन.
अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कई बार घर में क्या होता है, जब आप रह रहे होते हो या आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, तो हर साल उसमें कुछ माइनर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। फॉर एग्जांपल किसी प्लम्बर का कोई काम है घर पे, ठीक है, या आपने घर को पेंट कराया, या कहीं घर में कुछ छोटा छोटा मोटा डैमेज हुआ है जिसको आपने रिपेयर कराया, तो ऐसे कितने छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिसको एक्चुअल बेसिस पे डिडक्शन देना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है और एसएससी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। वो हर छोटे मोटे खर्चे का बिल ले, क्योंकि जो प्लम्बर वगैरह घर पे रिपेयर करने के लिए आते हैं उसका कोई भी बिल वगैरह नहीं होता, तो उसकी जेन्युइननेस को चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया, सरकार ने 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, और ये 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन सारी आपकी छोटी मोटी जितनी भी रिपेयर और मेंटेनेंस होती है उसको कवर करता है। मतलब अगर आपकी एक्चुअल जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है अगर 30% से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 10,000 आपकी एनुअल वैल्यू 1 लाख है, तो 30% हो गया 30,000। तो 30,000 से ज़्यादा अगर आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तब भी आपको बेनिफिट 30,000 का ही मिलेगा, और अगर आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस 30,000 से एक्चुअली कम है तब भी आपको 30,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है 30% ऑफ योर एनुअल वैल्यू, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है। दूसरी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल बोरोड फॉर प्रॉपर्टी विच इज ऑक्यूपाइड, विच इज एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रिपेयर्ड, रिन्यूड और रिकंस्ट्रक्टेड। तो दोस्तों जितने भी घर आज की डेट में लोग खरीदते हैं या कोई उसमें कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, कोई प्लॉट लेके घर को बनाते हैं या घर तोड़वा के उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इस इन केसेस में क्या होता है, मोस्टली केसेस में जो एसएससी है वो जो है लोन लेकर ये सारे काम करता है। हाउस प्रॉपर्टी हाउसिंग लोन ले लेके ये सारे काम किए जाते हैं। सपोज आपका घर जो है 45 लाख का और आपने 30 30 लाख का हाउसिंग लोन ले रखा है, तो उसमें बहुत ही ह्यूज इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है हर साल टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है कि आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं आप उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24। तो अब इसकी लिमिट क्या है, वो प्रोविजो में प्रोवाइड करी गई है। सबसे प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी रेफर टू सेक्शन 23(2). 23(2) में क्या बात की जा रही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन, यहाँ पे भी एक अमेंडमेंट हुआ है, पहले यहाँ पे एग्रीगेट और एग्रीगेट अमाउंट नहीं था, अब यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट ऐड करा गया कि एग्रीगेट टोटल इन टोटल जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो शेल नॉट एक्सीड 30,000। मतलब मैक्सिमम बेनिफिट आपको कितना दे रहे हैं, 30,000। इसमें एक और प्रोविजो ऐड करा गया कि प्रोवाइडेड दैट इन केस प्रॉपर्टी एज मेंशन अबव, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की बात की जा रही है जिसके लिए आपने लोन लिया है, अगर वो कंस्ट्रक्ट, इन केस अ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड ऑन और आफ्टर 8 अप्रैल 1999, मतलब 1/4/1999 के बाद, 1/4/1999 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद अगर आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर करा या कंस्ट्रक्ट करा और विद इन 5 ईयर्स आपने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी, मतलब आपने सपोज कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया और आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया और आपने कंस्ट्रक्शन जो है विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट कर दिया, विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन इज ऑब्टेन, मतलब जिस साल में आपने लोन लिया है, जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया वो आपने कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट कर दिया, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन। तो विद इन 5 ईयर्स में अगर आपने लोन सॉरी एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन को पूरा कर दिया तो आपको जो डिडक्शन जो है फॉर द इंटरेस्ट पेबल वो मिलेगी मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। नॉर्मली 30,000 मिलेगी अगर आपका लोन 1/4/1999 से पहले अगर आपने लोन लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको उस केस में 30,000 मिलेगी, लेकिन 1/4/1999 के बाद अगर आपने लोन लिया है और विद इन 5 ईयर्स आपने ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट कर दिया, मतलब एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर्स कर दिया, तो आपको जो है छूट मिलेगी 2 लाख रुपए, एल्स मिलेगी 30,000। मतलब मिनिमम 30,000 की तो डिडक्शन आपको
मिलेगी ही अंडर सेक्शन 24। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाला गया, वेयर द प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद बोरोड कैपिटल द इंटरेस्ट इफ एनी पेबल ऑन सच कैपिटल फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। मतलब प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्ट होने से पहले या प्रॉपर्टी की एक्विजिशन से पहले अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे करा है, कैपिटल बोरोड पे कोई भी इंटरेस्ट पे करा है, तो आपको उसकी जो डिडक्शन मिलेगी उस साल से मिलेगी जिस साल में आपने कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन को कंप्लीट करा, और अगले 4 साल तक मिलेगी। मतलब 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने साल कंस्ट्रक्शन से पहले या एक्विजिशन से पहले आपने जो है इंटरेस्ट पे करा, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ का, और आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीट हुई लेट से 2019-20 में, तो 2019-20 में 20,000 फॉर अगले 4 साल तक 20,000 तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। मतलब हर साल 20,000 रुपये। तो जितनी आपकी आपने इंटरेस्ट पे करा उसको डिवाइड बाय 5 करिए, और जितना भी आपका अमाउंट आता है इंटरेस्ट का वो करंट ईयर में और उसके अगले 4 साल में वो अमाउंट की आप डिडक्शन इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। Provided also that no deduction shall be made in second proviso unless you furnishes the certificate. तो आपको interest का certificate दिखाना पड़ेगा, it's the quite obvious. अगर आपको interest के deduction claim करनी है तो जो bank या financial institution को आप interest pay कर रहे हो वहाँ से आपको interest certificate लेना पड़ेगा और वो furnish करेंगे in order to claim the deduction. For the purpose of this proviso, the expression, इसी प्रोविजन में कुछ एक रिमेन्स टू बी न्यू लोन, यहाँ पे न्यू लोन की क्या बात की। कई बार क्या होता है, अब जितने भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप एक बार लोन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपको दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप SSC क्या करते हैं, अपने लोन को शिफ्ट करवा देते हैं फ्रॉम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो अगर ऐसा कोई केस है, तो अगर आपने लोन लिया है इन ऑर्डर टू रीपे योर यू नो एग्जिस्टिंग लोन, तो जो भी आपने अमाउंट लिया है, जो भी आपने पैसा बोरो करा है फॉर रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, तो उसको एक नया लोन कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। और प्रोविजन इज इंसर्टेड दैट द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर फर्स्ट और सेकेंड प्रोविजन शेल नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज़। तो नया लोन आपका कंसीडर करा जाएगा, दूसरा टोटल डिडक्शन जो है, ठीक है, जितने भी प्रोविजन्स है फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो में मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 2 लाख रुपीज की। यहाँ पे भी एग्रीगेट ऑफ अमाउंट पहले मेंशन नहीं था, ये फाइनेंस एक्ट 2019 में ऐड किया गया है द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स ऑफ डिडक्शन। अब मूव करते हैं सेक्शन 25, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सपोज आपने लोन लिया है, मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला सेक्शन। अगर आपने लोन लिया है किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, सपोज किसी फॉरेन पर्सन से, नॉन रेजिडेंट से अगर आपने कोई लोन लिया है फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप उस पर TDS काटोगे। तो यही सेक्शन में बोला गया, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 24, डिडक्शन की बात की जा रही है, एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया से बाहर पे कर रहे हो, नॉट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन इशूड बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ 1938, बहुत पुराना प्रोविजन है ये, ऑन विच द टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड अंडर चैप्टर 17B which is TDS, and in respect of there is no person in India may be treated as the agent under section 163 shall not be deducted in computing the income chargeable under the head income from house property. मतलब अगर आपने TDS deduct नहीं करा तो आपको उसके deduction नहीं मिलेगी, nutshell में ये है इसका मतलब। Next provision पढ़ते हैं, special provision for the arrears of rent and unrealized rent received subsequently. इस प्रोविजन में क्या किया गया, सपोज करंट मंथ में कुछ आपका अनरियलाइज्ड रेंट है, आप ऐसा रेंट है जो आप एक्चुअली रिसीव नहीं कर पाए हो,
जैसा कि मैंने बताया, एक्चुअल रेंट में आप वो इंटरेस्ट को इंक्लूड, वो सॉरी अमाउंट को इंक्लूड नहीं करोगे विच इज़ नॉट रियलाइज्ड, एज पर सेक्शन 23(1) में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक्चुअल रेंट में कुछ अनरियलाइज रेंट है तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा रेंट है जो आपको सब्सिक्वेंटली अगर आपको मिल जाता है तो उस रेंट की रेंट आपका जो है वो वाला रेंट जो है वो टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिलेगा, यही इस क्लॉज में बोला हुआ है। द अमाउंट ऑफ एरियर ऑफ द रेंट रिसीव फ्रॉम द टेनेंट और द अनरियलाइज रेंट रियलाइज सब्सिक्वेंटली फ्रॉम द टेनेंट एज द केस में विद द असेसी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इन विच सच रेंट इज रिसीव्ड और रियलाइज। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको रेंट मिलता है उस फाइनेंशियल ईयर की इनकम में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो अमाउंट ऐड करा जाएगा एंड शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेदर द असेसी इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट। अगर आपको सब्सिक्वेंटली आपको कोई अनरियलाइज रेंट मिलता है, ठीक है, तो नॉर्मली आपकी इनकम तभी टैक्सेबल होती है इस हेड में जब आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, लेकिन अनरियलाइज रेंट में भले आप प्रॉपर्टी के ओनर करंटली हैं या नहीं है, स्टिल आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। ये सब सब प्रोविजन इस सेक्शन में कहा गया है, सेक्शन में सॉरी कहा गया है। सब सेक्शन टू क्या बोलता है, एनुअल सम इक्वल टू 30% ऑफ द एरियर ऑफ द रेंट और अनरियलाइज रेंट शेल बी अलाउड। तो जैसा मैंने बताया कि 30% डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अब मूव करते हैं प्रॉप सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 डील करता है प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय को ओनर्स। नॉर्मली क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी के सपोज दो को ओनर्स हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ओन्ड बाय द डिफरेंट पर्सन्स। नॉर्मली जैसे क्या होता है कि जैसे आप घर लेते हो, घर जो है वो जो उसके ज्वाइंट ओनर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी सपोज आपने लेट आउट करी उसके ज्वाइंट ओनर्स है, दो पर्सन है और उनका शेयर डेफिनेटिव है और एसर्टेनेबल है। इस सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, डेफिनेटिव और एसर्टेनेबल, मतलब जो भी आपका शेयर है वो डेफिनेटिव होना चाहिए। मतलब सपोज दो ओनर्स हैं एक प्रॉपर्टी के, एक का शेयर 50% है और दूसरे का शेयर 50%, तो दोनों का शेयर अगर 50-50% है तो ये डिस्टिंक्ट सॉरी डेफिनेट है और एसर्टेनेबल है, मतलब डेफिनेट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए और एसर्टेनेबल, मतलब एसर्टेन कर सकते हो आपका शेयर, निकाल सकते हो कि कितना आप एक ओनर कितना अमाउंट जो है या कितनी हिस्सा जो है वो ओन करता है। सो व्हाट दिस सेक्शन से, तो इस सेक्शन में क्या होता है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी है वो को ओन्ड है, उसके को ओनर्स हैं, ज्वाइंटली ओन्ड पर्सन्स हैं और उनका शेयर डेफिनेटिव है और एसर्टेनेबल है, तो आप पे दोनों की सेपरेटली जो है इनकम कैलकुलेट होगी और दोनों को सेपरेट बेनिफिट्स मिलेंगे। अब मैं सेक्शन को रीड करता हूँ। वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्टेड ऑफ एनी बिल्डिंग और बिल्डिंग्स एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू इज ओन्ड बाय टू और मोर पर्संस एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स आर डेफिनेटिव डेफिनेट एंड असर्टेनेबल सच पर्सन शैल नॉट रिस्पेक्ट टू सच प्रॉपर्टी असेस्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी है वो को ओन्ड है, उसके को ओनर्स है और को ओनर्स दो या उससे ज़्यादा हैं और उनका शेयर डेफिनेटिव है, तो जो उस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो एज एन एओपी जो है कंसिडर नहीं करी जाएगी क्योंकि उनका शेयर डेफिनेटिव है। ओके, बट शेयर ऑफ द ईच पर्सन इन द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एज कम्पेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 22 टू सेक्शन 25। मतलब अगर आपका शेयर डेफिनेटिव है तो आपकी जो तीनों की इनकम या दोनों सारे को ओनर्स की जो इनकम है वो सेपरेटली कैलकुलेट की जाएगी एज योर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बाय सेक्शन 22 से लेकर 25। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन इन अप्लाइंग प्रोविजन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर कंप्यूटिंग द शेयर ऑफ सच ईच पर्सन एज रेफर टू दिस सेक्शन सच शेयर शेल बी कंप्यूटेड एज इफ द पर्सन इज इंडिविजुअली इंटाइटल टू रिलीफ प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन। मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे मिलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करा, यहाँ पे आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं एक। अब क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी और आपका जो लोन अमाउंट है वो 2 लाख से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल लोन अमाउंट नहीं इंटरेस्ट अमाउंट,
जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो 2 लाख से ज़्यादा है फॉर एग्जांपल हर साल, तो आपको कितनी छूट मिलेगी उसमें? मैक्सिमम 2 लाख की छूट मिलेगी इंटरेस्ट पेबल की। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड है तो दोनों पर्सन को, सारे जॉइंट ओनर्स को, हर किसी को इंडिविजुअली 2-2 लाख रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा जा रहा है तो बेटर है आप प्रॉपर्टी को के जॉइंट ओनर्स बनाइए, मतलब प्रॉपर्टी को ओनर्स बनाइए उस प्रॉपर्टी के, ताकि हर पर्सन जो है इंडिविजुअली 2-2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम कर सके, और आपको जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ठीक है वो आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सको। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पर्सन है वो इंटरेस्ट पे कर रहा हैज़ 4 लाख रुपीज़ का उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो अगर उसका एक ही ओनर है तो उसको कितनी छूट मिलेगी इंटरेस्ट की? 2 लाख रुपए की। लेकिन अगर वो ओनर्स के उसके दो ओनर्स बन जाए, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों उस प्रॉपर्टी के अगर को ओनर्स बन जाते, तो दोनों को 2-2 लाख रुपए की इंडिविजुअली जो है यहाँ पे इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। तो इस तरीके से लोग जॉइंट ओनर्स बन जाते हैं, ताकि वो अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा जा रहा है ठीक है, तो वो पूरे इंटरेस्ट का डिडक्शन को क्लेम कर सकें। इसलिए नॉर्मली पीपल जो हैं वो प्रॉपर्टी को उसके को ओनर्स बन जाते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट सेक्शन जो हम डील करेंगे सेक्शन 27, विच टॉक्स अबाउट द डीम्ड ओनर ठीक है। तो फॉर द पर्पज सेक्शन 22 से 26 तक ठीक है, अगर आप कोई इंडिविजुअल है उसने अपनी प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट अदर देन एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा है, नॉट बींग ट्रांसफर इन कनेक्शन विद द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट और टू द माइनर चाइल्ड नॉट बींग मैरिड डॉटर, मतलब ये दो कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर कोई प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र करी है, तो जो ट्रांसफरर होता है, मतलब जो पर्सन ट्रांसफ़र करता है, उसको ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्लॉज इज द होल्डर ऑफ द इम्पार्शियल एस्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी। तो जो इम्पार्शियल एस्टेट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज के लिए इंडिविजुअल को ही डीम डोनर माना जाएगा। अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन टू होम बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इज अलॉटेड और लीज्ड अंडर द हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम ऑफ द सोसाइटी शैल बी डीम टू बी द ओनर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, आपको मेंबर बनना पड़ता है, और मेंबर के चलते आप जो है आपको एक प्रॉपर्टी का ओनर अगर बना दिया जाता है, तो वहाँ पे हाउसिंग जो जिसको वो शेयर, अगर आप जैसे क्या होता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं। जो शेयर्स होते हैं नॉर्मली, यहाँ पे शेयर्स का मतलब है हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको उसका मेंबर बनने के लिए, मेंबर जब आप बन जाते हैं तो आपको उसमें प्रॉपर्टी कुछ अलॉट होती है, घर अलॉट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। तो वहाँ पर जिस पर्सन को वो घर अलॉट हो रहा है उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर इन द पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब कोई अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी के चलते अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो जिसको आप ट्रांसफर करते हो उसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा। अ पर्सन हु एक्वायर द राइट फॉर एक्सक्लूडिंग एनी राइट बाय वे ऑफ लीज फॉर अ मंथ टू मंथ और अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इन विद रिस्पेक्ट टू एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ शैल बी डीम टू बी दी ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल डीम टू इंक्लूड सर्विस टैक्स। तो अगर आप सर्विस टैक्स, या आज के डेट में GST है, अगर आप कुछ पे करते हो तो आप जितना भी टैक्सेस पे करते हो वो इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स या GST माना जाएगा। सो इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड अवर इंटायर सेक्शंस, सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 22 टिल सेक्शन 27। ये 6 के 6 सेक्शन डील करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, यू आर फील फ्री टू आस्क ठीक है। आप हमें ईमेल कर सकते हो, विच इज़ info@thetaxationinside.in।
आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9390667709, और सबसे बेस्ट है आप वीडियो पे कमेंट मेंशन करो, आपको कोई भी डाउट है हम आपको जो है तुरंत और जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का रिप्लाई करेंगे। सबसे बेस्ट और क्या है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाओ विच इज़ www.taxationinside.in, यहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी को भी पोस्ट कर सकते हो। एंड आई मस्ट एनकरेज दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर न्यूज़लेटर, तो कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके न्यूज़लेटर्स के लिए सब्सक्राइब करिए, और सो दैट हम आपको अपडेट कर सके। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है इन सर्विस टैक्स और से इन GST, इन इनकम टैक्स और एनी अपडेट बाय इंस्टीट्यूट मीन्स ICAI, अगर कोई अमेंडमेंट कोई नोटिफिकेशन लेके आता है, कोई सर्कुलर लेके आता है, तो उससे आप अपडेट रह सके, इसके लिए आप जो है हमारे न्यूज़लेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें इस वीडियो में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो। इन दिस वे आई द साइन ऑफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।